हाँ तो दोस्तों, क्या हालचाल भाई। आज किस वाली वीडियो में अपन चलने वाले हैं अपनी XUV 700 की सर्विस कराने है। भाई 20,200 किलोमीटर लगभग ये गाड़ी चल चुकी है, आपको मैं बता भी देता हूँ। तो भाई देखते हैं आज क्या भाई क्या अपनी गाड़ी का कॉस्टिंग वगैरह रहने वाली है। 20,200 है, सर्विस मतलब ओवरड्यू हो गई है। तो अभी चलते हैं अपन इस गाड़ी की सर्विस कराने। तो अप्रोक्स मतलब 70-80 किलोमीटर सर्विस सेंटर है मेरे यहाँ से, तो अभी निकलते हैं अपन। 9 बजे का अपॉइंटमेंट है और भाई अभी हो चुके हैं 8। और भाई लेट हो गए हैं काफ़ी, तो अभी चलते हैं और रास्ते में बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की। लेट हो गए हैं तो अभी भाई सबसे पहले अपन निकलते हैं यहाँ से। एक चीज़ दोस्तों, भाई जब भी आप सर्विस पे जाओ तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का जो भी सामान है अंदर, जो मतलब कीमती सामान है, वो आप निकाल लो। मैं तो भाई पूरी गाड़ी खाली ही देता हूँ, कुछ भी नहीं रखता हूँ इस गाड़ी में। तो हाईवे लग चुका है और अपन चल रहे हैं और भाई DEF की लाइट भी आ गई थी इसकी, तो सर्विस तो भाई गाड़ी ज़रूर मांग ही रही थी। ऑल ओवर देखो गाड़ी की बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी देखो 82 पे चल रही है। मैं AC बंद कर देता हूँ और आप गाड़ी की आवाज़ सुनो। ये भाई देखो, और एवरेज की बात करें तो गाड़ी अपना एवरेज दे रही है 16.8 का एवरेज दे रही है और 222 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी। ऑल ओवर बढ़िया है भाई। और अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत इस गाड़ी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। तो बात करें अपन इस गाड़ी के बारे में तो भाई मेन जो इसके पॉजिटिव है ना, एक तो इसका परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस बिल्कुल लाजवाब परफॉर्मेंस है और बहुत ही बढ़िया है। और जो फीचर्स ऑफर कर रही है गाड़ी, मतलब ये वाला AX5 वेरियंट है और मैंने जब लिया था, अभी तो शायद इनकी रेटें बढ़ गई है क्योंकि अभी वाले वेरियंट में यहाँ क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है। और जब मैंने लिया था तो ये मैंने लिया था 22,32,000 रुपये का, अपना उदयपुर से है जी, 22,32,000 का अपन ने लिया था। और इसमें भी अपन को सनरूफ वगैरह देखने को मिलता है, एप्पल कार प्ले बढ़िया चलता है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सर्विस थी गाड़ी की, जब इस गाड़ी ने दिक्कत की थी एप्पल कार प्ले में, मतलब जो लॉन्ग टूर पे ये बहुत दिक्कत करता था, जैसे 2-2.5 घंटे चलने के बाद ये एप्पल कार प्ले डिस्कनेक्ट हो जाता और उसको वापस ऑन करने के लिए मतलब गाड़ी रोक के ही करना पड़ता था, होता भी नहीं था, 2-3 बार बंद करके चालू करना पड़ता तब जाके एप्पल कार प्ले कंट्रोल होता, मतलब कनेक्ट होता था। और फिर मैंने सर्विस सेंटर बताया तो 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे इसका जो अपडेट रह रहा था वो करा दिया मैंने। तो अभी ये इसका एप्पल कार प्ले ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी डिस्प्ले वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड है। और कभी कभार एक मिस्टेक कर जाता है कि भाई बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मतलब अभी जैसे आप जल्दी में आए और आपने गाड़ी एकदम ऑन कर दी और एकदम चलाने लग गए तो इसको स्टार्ट होने में कम से कम 10 सेकेंड लगेंगे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो। बाकी ऑल ओवर बढ़िया है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक सर्विस से रिलेटेड चीज़ है, एक तो इसका जो मेरे अंदाज से जो इसकी बेरिंग्स है, बेरिंग आवाज़ कर रही है, बाहर से आवाज़ आती है अंदर नहीं आती उसकी आवाज़। और एक अभी मैं पिछली बार गया था महिंद्रा में तो ये फ्यूज़ बॉक्स ढीला था इस साइड का, तो फ्यूज़ बॉक्स भी उन्होंने टाइट करा था, तो इधर से एक रेटलिंग आवाज़ आती थी, वो भी बंद हो गई है। तो ठीक है, ऑल ओवर बढ़िया है। और अभी चल रहे हैं अपन, और बात करें गाड़ी के बारे में तो ओके है, बाकी दिखने वगैरह में ठीक है। अभी मैंने भाई कर्टन लगा रखे हैं क्योंकि उदयपुर और राजस्थान में जो गर्मी है ना, वो भाई बहुत ख़तरनाक गर्मी पड़ती है, तो मैं कर्टन लगा ही रहते हैं 24 घंटे इस गाड़ी में। ये थी ऑल ओवर भाई अपनी XUV की पॉजिटिव की बातें और नेगेटिव की बातें जो मेरे को लगी अभी तक। एक चीज़ दोस्तों आपको इस गाड़ी के बारे में बता देता हूँ, भाई आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग ना ही करें तो बेहतर है। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है तो आप भले ही इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, बाकी आपको इस पर ऑफ रोडिंग ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मैं 1 या 2 बार माइंस पे ले गया हूँ और ये गाड़ी बजने लग गई थी उस टाइम पे, और फिर मैंने भाई सारे पैनल वगैरह चेक कराए और फिर इसका थोड़ा कम हो गया है, मतलब 2 बार मैं माइंस पे ले गया ज़्यादातर, बाकी अपनी सफारी जाती है माइंस पे, तो पर ये गई तो इसके तो भाई पूरे आंजर पंजर ढीले हो गए, गाड़ी बजने लग गई। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से इसको आप ऑफ रोडिंग नहीं ले जाओ। और माइंस भी अपने ऐसे कुछ नहीं है, माइंस पर रास्ते वगैरह बने हैं, कच्चे रास्ते हैं, पर माइंस पर रास्ते वगैरह अपने बने हुए हैं, उसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है तो ही आप इससे ऑफ रोडिंग करें। मेरा रिकमेंडेशन ये कि आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग नहीं करें, आप भाई ऐसे हाईवे पर चलाओ भाई बढ़िया मस्त, 68 की स्पीड पर 17.2 का एवरेज दे रही है गाड़ी। बात करें इसकी एवरेज की तो भाई 17.2 दिखा रही है इसका, मतलब 16.5 तक एवरेज मेरे हिसाब से तो आपको देखने को मिलता ही होगा, इतना तो एवरेज ये गाड़ी देती ही है।
तो सर्वेयर ने आके भाई चेकअप कर लिया है, गाड़ी के फोटो वोटो खींचे हैं चारों तरफ से। एक चीज ये देखो, जो ये वेंट टूट गया था, अब ये वेंट एक्चुअली अभी एक साल के अंदर है, गाड़ी 8 महीने ही हुए हैं, तो ये वेंट अभी इसमें ही इंक्लूडेड रहेगा, ये महिंद्रा वाले इनके हिसाब से करके देंगे। और एक ये पार्ट यहाँ का टूट गया, ये यहाँ जो नहीं लगता प्लास्टिक वाला प्रोटेक्टर पार्ट, यहाँ का टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा है, पर अब मैंने इनको बोल दिया है तो शायद इनके पास होगा तो लगा देंगे, नहीं तो ऑर्डर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो ऑल ओवर देखो, थर्ड सर्विस है 20,000 किलोमीटर की, तो इसमें तो इंजन ऑयल चेंज होगा नहीं, और शायद मेरे हिसाब से एयर फिल्टर या ये सब ही चेंज होगा, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज होने जैसी चीज़ है नहीं, और बिल मेरे हिसाब से कम ही आएगा। मोटा मोटी बता दिया है मैंने गाड़ी का। भाई लगभग 12 बज गई है और गाड़ी अभी तक नहीं ली है, बैठे हैं लॉन्च में। एक्चुअली दोस्तों रश बहुत था, तो जो अपने सर्विस मैनेजर थे उन्होंने बोला कि आप लॉन्च में बैठिए, गाड़ी के पास अलाउड नहीं किया मेरे को, पर ये देख लो अपनी एक्चुअली सर्विस हो रही है इधर, और रश देख लो भाई, काफ़ी रश है, और इसकी वजह से मेरे को लग रहा है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। पाँच बज के 10 मिनट हो गए भाई, और बैठे हैं अपनी खुद की गाड़ी में। इंटीरियर तो देखो क्लीन करा है इन्होंने, इंटीरियर और इंजन भी क्लीन कर दिया, बाकी बाहर से वॉशिंग बाकी है, कांच में दिख रहा होगा आपको, बाहर से गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है, बाहर से पूरी वॉशिंग बाकी है, और भाई गाड़ियाँ ही नहीं मारी है महिंद्रा की, देख लो भाई इतनी सारी गाड़ियाँ हैं एक्चुअली, तो इनको क्या है मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है, और गाड़ियाँ इतनी हैं कि वॉशिंग वगैरह में आधा टाइम जा रहा है। और बढ़िया भाई मशीन भी ख़राब हो गई है गाड़ी धुलने की, मतलब लेट से लेट और लेट हुआ जा रहा है, घंटा डेढ़ घंटा बिगड़ गया इसमें। टाइम होगा 6:40, बिलिंग वगैरह करा ली है और गाड़ी भी धुल गई है, अब निकलते हैं और बताता हूँ आपको भाई क्या पेमेंट बना है इसका और कितने पैसे दिए। मेरे को तो काफ़ी रीजनेबल ही लगे, थर्ड सर्विस है, 20,000 किलोमीटर, 6:55 हो रहे हैं, और अब हम डीलरशिप से निकल गए, डीलरशिप जस्ट पीछे ही है, और अब मैं आपको बिल बता देता हूँ। तो भाई इसका सब टोटल आया है 2,237 रुपये का, और जिसमें भाई इसमें आपको जो है एक तो यूरिया भरा है अपना जो एड ब्लू होता है वो भरा है, और आपको जो है कार्बन फिल्टर देखने को मिलता है, ये सब चेंज हुए हैं, एक इसका एसी वेंट चेंज हुआ है, एक इसका एसी वेंट चेंज हुआ है, उसका कोई कॉस्ट नहीं एक्चुअली, गाड़ी साल भर से अंदर होती है तो उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। और इसकी बात करें तो ये वाला जो पार्ट था कंपनी में था नहीं, ये अपना पुराना वाला पड़ा हुआ है, कंपनी में था नहीं, ऑर्डर डलवा दिया है, अब अगली सर्विस पे या फिर जब भी टाइम मिलेगा तो अपन ये डलवा लेंगे। ऑल ओवर ठीक है भाई। सर्विस की बात करें तो मेरे को थोड़ा वो लगा गलत कि भाई इतना भी टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपन सुबह कितनी बजे 10 बजे के लगभग अपन यहाँ आए हुए हैं और अभी गाड़ी दी है इन्होंने, तो इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। हाँ मानता हूँ कि भाई गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है और रश ज़्यादा रहता है, पर चलो ऑल ओवर बढ़िया है। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।